मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, वो है हमारा एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में कि कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपना फंक्शन प्ले करते हैं। तो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब हम इन तीनों को जानेंगे, ये तीनों कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और भाई किस किस तरीके से काम करते हैं। देखो, सपोज एक तरफ हमारे पास इधर टेस्टिस है और दूसरी तरफ हमारे पास इधर एक दूसरी टेस्टिस है, क्योंकि मेल के अंदर दो टेस्टिस होती हैं। ठीक, और बीच में है हमारा पेनिस। बीच में हमारा क्या है, मेल का पेनिस, जो कि क्या करता है, जो कि स्पर्म्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी बड़े बड़े ही प्यार से, भाई जो हमारी टेस्टिस होती है इनमें क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। ठीक, लेकिन जो फ्लूइड हमारे पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, वो फ्लूइड एक्चुअल में स्पर्म नहीं होता, वो होता है सीमन। वो फ्लूइड क्या होता है, सीमन। तो अब स्पर्म और सीमन में मेन डिफरेंस क्या है, ये चीज़ समझनी चाहिए। देखो, सीमन जो होता है उसके जो सीमन जो होता है उसके अंदर दो चीज़ें मिक्स होती हैं। सीमन के अंदर हमारी दो चीज़ें मिक्स होती हैं। सीमन के अंदर होता है हमारे स्पर्म्स, एक तो स्पर्म्स होते हैं जो कि टेस्टिस से आते हैं, प्लस में सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा। तो ये दो चीज़ें, स्पर्म जो कि भाई टेस्टिस से आते हैं और दूसरा प्लाज्मा जो कि सेमिनल प्लाज्मा होता है, ये हमारे किससे आते हैं, ये हमारे एसेसरी ग्लैंड्स से आते हैं। ये दोनों चीज़ें मिलके क्या रिलीज़ करवाती है, दोनों चीज़ें मिलके सीमन रिलीज़ करवाती हैं, जो कि भाई हमारे पेनिस से रिलीज़ होता है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों ग्लैंड्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। देखो, टेस्टिस से हमारी आ रही होती है वास डेफरेंस। कौन सी ट्यूब आ रही होती है, वास डेफरेंस। ठीक है, तो वास डेफरेंस पे सबसे पहले जो एक ग्लैंड होता है जो कनेक्टेड होता है, वो होता है सेमिनल वेसाइकल। कौन सा ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल। अब सेमिनल वेसाइकल एक अलग ट्यूब से कनेक्टेड होता है वास डेफरेंस, ये है हमारा सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, अब हमें एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि भाई एक टेस्टिस से जो वास डेफरेंस आएगी इस पे एक सेमिनल वेसाइकल होता है, और दूसरी टेस्टिस से जो दूसरी वास डेफरेंस आएगी उस पे क्या होता है, उस पे अपना अलग सेमिनल वेसाइकल होता है। इस पे क्या होता है, अलग सेमिनल वेसाइकल होता है। तो जो सेमिनल वेसाइकल है वो कैसा होता है, हमारा पेयर्स में होता है। सेमिनल वेसाइकल हमारा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, ये हमारा पेयर में एग्जिस्ट करता है, ये हमें मेन चीज़ याद रखनी है। ठीक, सेमिनल वेसाइकल क्या करता है, ये अपना फ्लूइड सीक्रेट कर देता है, सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट कर देता है। अच्छा, सेमिनल प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जो सेमिनल वेसाइकल जो सीक्रेट करेगा वो सेमिनल प्लाज्मा करेगा। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, तो इसके प्लाज्मा के अंदर जो होता है वो होता है फ्रक्टोज। क्या होता है, फ्रक्टोज, जो कि एनर्जी देने का काम करता है स्पर्म्स को। ये जो स्पर्म आएंगे तो ये भाई मूवमेंट करते हुए जाएंगे आगे। ठीक है, तो स्पर्म को जो एनर्जी देने का काम करेगा वो कौन करेगा, फ्रक्टोज करेगा। तो फ्रक्टोज होता है जो कि भाई एनर्जी देने का काम करता है, और दूसरा एल्कलाइन नेचर देता है। दूसरा क्या देता है, एल्कलाइन, यानी कि बेसिक पीएच देता है, बेसिक पीएच देता है पूरे सीमन को। जो सीमन होगा वो हमारा बेसिक नेचर का होगा, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सीमन कौन से नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है। तो सेमिनल वेसाइकल ये दोनों ग्लैंड हैं जो कि मौजूद रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं। ठीक है, आगे अब ये जब ट्यूब आगे जाके जुड़ेगी यूरेथ्रा से, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी यूरेथ्रा से, तो अब इस पे बीच पे क्या होगा, एक दूसरा ग्लैंड मौजूद होगा यहाँ पे। इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये हमारा एक सिंगल ग्लैंड होता है जो कि भाई इसको घेरे रखता है, यूरेथ्रा को दोनों तरफ से घेर के रखेगा। बिल्कुल इस तरीके से जैसे पेन है और इस पेन को मैं इस तरीके से यूँ पकड़ लूँ उंगली में, तो भाई आगे से लेके पीछे तक पूरा घिर गया। ठीक है, इस तरीके से यूरेथ्रा को प्रोस्टेट ग्लैंड घेर के रखता है। ठीक, अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ सीक्रेट करता है। एक तो पहली बात, ये सिंगल होता है। ठीक है, दूसरा ये क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है हमारा मिल्की फ्लूइड। एक मिल्की थिन फ्लूइड सीक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, जो सीमन को
एक तरीके से क्लॉट करने का काम करता है, क्लॉट यानी कि गाढ़ा करने का काम करता है, ठीक है। जो सीमन होगा वो हमारा इकट्ठा हो जाएगा, एक तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका सीक्रीशन होता है, ठीक है, जिसमें मिल्की फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इस मिल्की फ्लूइड के अंदर एक क्लॉटिंग एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? क्लॉटिंग एंजाइम, जो कि भाई इसको गाढ़ा करने का काम करता है सीमन को। जो सीमन होगा वो पतला नहीं होगा, वाटर की तरह नहीं होगा, सीमन जो होगा बिल्कुल एक तरीके से थिक फ्लूइड होगा, बहुत ही ज़्यादा थिक फ्लूइड होगा। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रीशन होता है जो इसको थिक बनाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सा सीक्रीशन थिक बनाने का काम करता है सीमन को, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रीशन होता है। इसके बाद इसके आगे यहाँ पे दो छोटे छोटे से ग्लैंड्स और मौजूद होते हैं पेयर में, जिनका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। ये क्या करते हैं? अब देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड ने तो थिक कर दिया सीमन को, प्रोस्टेट ग्लैंड ने थिक कर दिया सीमन को। अब आगे अगर कहीं सीमन इस यूरेथ्रा के थ्रू आएगा तो भाई हो सकता है कहीं अटक जाए, ठीक है, क्योंकि थिक फ्लूइड है बिल्कुल, तो भाई हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हुए। तो इसके लिए क्या है, बल्बो यूरेथ्रल सीक्रेट करता है ल्यूब्रिकेशन। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में एग्जिस्ट करता है दोनों तरफ, और सीक्रेट करता है ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेट करता है, जिससे जो सीमन होगा वो ईजीली आपकी बॉडी से, ईजीली यानी कि पेनिस के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बल्बो यूरेथ्रल ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। तो ये थी बात हमारी एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। दोबारा देख लेते हैं, सेमिनल वेसाइकल दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारा फ्रक्टोज सीक्रेट करने का काम करते हैं और एल्केलाइन नेचर देने का काम करते हैं सीमन को, ठीक है। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यूरेथ्रा में मौजूद होता है, सिंगल होता है, ये मिल्की फ्लूइड सीक्रेट करता है जिसके अंदर क्लॉटिंग एंजाइम मौजूद होता है। और थर्ड है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि पेयर में एग्जिस्ट करता है और ये क्या करता है, लुब्रिकेशन देने का काम करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है इस पूरी ट्यूब को, यूरेथ्रा को, ठीक है। तो ये थे हमारे तीन ग्लैंड्स। अगर बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनका जो कंस्टिट्यूशन है वो कितना है, तो वो भी आप याद रख सकते हो। सेमिनल वेसाइकल जो होता है वो 60% कंस्टिट्यूट करता है, यानी कि जो सीमन निकलेगा मेल की बॉडी से बाहर उसमें 60% सेमिनल वेसाइकल का फ्लूइड होगा, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होगा, ठीक है। और बल्बो यूरेथ्रल का हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है।